नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विभिन्न विषयों पर हमारी बात होती रहती है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म सबके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस कंपिटिशन के दौर में अपने आप को स्थापित करने के साथ अपने आप को उस प्रगति के मार्ग पर उस द्रुत गति से आगे ले जाना बहुत असंभव काम होता है। और जब आपको अपने रास्ते में जगह जगह कंपटीशन देकर के आगे बढ़ना हो, तब वो रास्ता और कठिन होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए जहां पर आपके साथ में रहने वाले लोग भी आपके लिए काम करते हों और वे लोग आपका रेफरेंस देते हों, और वो रेफरेंस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो भी अपनी अपने क्षेत्र के माहिर लोग होते हैं, उनके रेफरेंस से आपका बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट है आज का नहीं, करीब आज से 35-40 वर्ष पहले का हो सकता है। नाम भी आपने सुना हो, आप भी जुड़े हुए हों, BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। एक परिभाषा जो इस नाम के साथ जुड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। जहाँ पर ग्लोबली करीब 2,30,000 लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पर ये समझिए कि कोलकाता, अभी मैं कोलकाता से आपसे मुखातिब हूँ, कोलकाता से भी करीब करीब 800-900 लोग जुड़े हुए हैं, और ऑल ओवर इंडिया से इस तरह के जुड़ाव की एक घटना चल रही है। और ये एक माउथ एडवर्टाइजमेंट, एक रेफरेंस आपके बिजनेस को किस तरह से स्थापित कर सकता है, वो एक चमत्कार जो आपके जीवन में घटित होता है, उस चमत्कार की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके लिए आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिला रहा हूँ, जिनसे आपका मैं परिचय करवा रहा हूँ, वो इस क्षेत्र में काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। और बीमल सामल जिनका नाम है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एक तरह से कोलकाता या ईस्ट रीजन को वो डायरेक्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस नेटवर्क चेन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे देश में भी एक बात कही जाती है कि जोड़ने की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब लोग जुड़ जाते हैं तब वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो वो रिटर्न हमारे पास आता है। ये शास्त्रों में कही हुई बात है। तो आइए, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। मेरे साथ आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, विमल जी, बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन मेरे इस कार्यक्रम में मेरे व्यूवर्स की तरफ से। विमल जी, ये बताइए कि BNI का ये जो प्लेटफॉर्म है जी, वो आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यक्ति को स्थापित किस तरह से करता है, किस तरह से आपका जो ये मेथड, आपका जो ये मैकेनिज्म, आपका ये कॉन्सेप्ट लोगों को स्थापित करने का काम करता है जी। संजय जी, देखिए, BNI जो है, आपने पहले ही बताया दर्शकों की BNI 35 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जी, USA में स्थापित हुई थी, और हमारा जो फाउंडर है जी, डॉक्टर आइवन माइजनर जी, तो वो एक रूम में इसी तरह से शुरू किए थे कि हम कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए जी जी। और शायद इसी वजह से जो हमारा फिलोसोफी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम कहते हैं गिवर्स गेम। इसलिए हम कहते हैं गिवर्स गेम, कि मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ, वो किसी ना किसी तरीका से वो घूमकर मेरे पास आता है। ठीक है, तो जैसे भी हमने कर्मा में भी पढ़ा है कि यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मैं लोगों के लिए जितना अच्छा करूंगा उम्मीद करता हूँ उतनी ही अच्छाइयां मेरे तरफ घूमकर आते हैं। और आज देखिए, जो इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हमारे कई तरीके होते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। बीना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर वो लोग जितने जुड़े हैं उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि मैं कैसे मेरे सह कर्मी को, सह मेंबर को हेल्प कर सकता हूँ उसके बिजनेस बढ़ाने के लिए जी जी। और इस माध्यम में, इस प्लेटफॉर्म में, संजय जी, सिर्फ एक व्यक्ति एक प्रोफेशन के उस चैप्टर के साथ जुड़ सकता है, और वो एक ही व्यक्ति एक क्षेत्र का स्पेशलिस्ट होता है, उसका कंपिटिटर यहाँ पे नहीं होता है। सर, हमारा काम कॉम्पिटिशन नहीं करवाना, हमारा काम कोलैबोरेशन करना है जी, जी, और उनको, उनके बिजनेस को ग्रोथ कराना है जी। तो कभी कभी हमारे चैप्टर में कम से कम 50-60 भिन्न भिन्न प्रोफेशन क्षेत्रों के लोग रहते हैं जी। और उनका यही काम रहता है कि हम कैसे हमारे जो फेलो मेंबर है उनका बिजनेस हम कहाँ पे बढ़ा सकते हैं जी, जी। तो आज के दिन में वर्ल्ड में हमारे पास 2,30,000 मेंबर है, हम
71 देशों में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है और ईस्ट में आज के दिन में हम सिलीगुड़ी में प्रेजेंट है, कलकत्ता में जैसे आपने बताया 800 प्लस मेंबर्स हैं जी, और कोलकाता जो है वर्ल्ड में टॉप रीजन्स में गिना जाता है, और पिछला साल कलकत्ता के जितने मेंबर्स हैं उन लोगों ने सामूहिक रूप से आपस में एक दूसरे को हेल्प किया है करीबन 550 से 600 करोड़ बिजनेस करने के लिए जी जी जी। और हावड़ा में हमें लगा कि हावड़ा में भी ऐसे कई बिजनेस ओनर्स हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं जी। तो अभी हम हावड़ा रीजन में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मई महीना में पहला चैप्टर हावड़ा रीजन में फ्यूचर चैप्टर के नाम से जाना जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से BNI ने काफ़ी हद तक हर बिजनेस ओनर को बहुत क्षेत्रों में जोड़ा है, उम्मीद करता हूँ हावड़ा रीजन के भी मेंबर्स आने वाले दिनों में इनका अत्यधिक लाभ उठाएंगे। मतलब सीधी सी बात जो आपके चैप्टर के माध्यम से मैंने सुनी कि मतलब अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं लेकिन उस वक्त चैप्टर के जो मेंबर्स होते हैं, जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है संजय जी। सही मायने में मैं कई जगह पर यही चीज़ बोलता रहता हूँ कि ये एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप उस दिन काम भी नहीं कर रहे हैं बट 50 लोग आपके बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं आपके विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है गिवर्स गेन, वापस मैं दोहराना चाहूंगा जी, जी, जी। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप एक अच्छे पत्रकार है, आप अच्छे पब्लिशिंग हाउस हैं, तो मैं अगर कहीं पे बात करता हूँ और कोई अगर बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा पब्लिशिंग करना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं आपको है ना संजय जी से कनेक्ट करवा सकता हूँ, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पब्लिशिंग हाउस हैं, डेफिनेटली आप उनसे एक बार कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आपके इस कॉन्सेप्ट में मैंने सुनी वो ये बात है कि आप किसी को जब रेफर करते हो और वो BNI का एक सिंबल जाकर के वो रेफरेंस जाता है, उसके बाद में जो व्यक्ति उसको बिजनेस देता है वो भी बहुत सोच करके देता है, दूसरों से उसको बहुत सुविधा वो प्रदान करता है, मूल्यों के आधार पर, रेट के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, सर्विस के आधार पर। जी संजय जी, देखिए यहीं पे एक डिफरेंस होती है कि अगर ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है रेफरल के माध्यम से है, तो जब आप किसी व्यक्ति को एक परिचित व्यक्ति को रेफर करते हो, आप ये मान के चलिए कि आपका जो जो क्लोजर है, जो जो क्लोज होना है, वो 50% आप ऑलरेडी उसके लिए इतना अच्छा क्रेडेंशियल इस्टेब्लिश कर देते हो जी, जी, जी। कि जो बायर जो है वो अब सिर्फ आपसे वो विश्वस्त होकर के जाता है, होकर जाता है, उसके मन में संशय नहीं रहता कि मैं जहां से जो ले रहा हूं उसकी रेट ज्यादा लगेगी या क्वालिटी खराब होगी या आफ्टर देन सर्विस मुझे अच्छी मिलेगी या नहीं जी। वो विश्वस्त होकर जाता है कि यहां से मुझे रेफरेंस आया है, ये BNI का बंदा है, तो वो एक पारिवारिक बंदा हो गया है, पारिवारिक सदस्य हो गया है, वहां पर वो अधिकार के साथ अपनी बात को कह सकता है जी। और मजे की बात है, मैं आपके लिए आपके अच्छाई के लिए आपको प्रमोट करता हूं, लेकिन कतई उस बिजनेस में मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर कोई कमीशन नहीं है जी, यहां पर कोई लेने का मामला नहीं है, सामने वाले को ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं आपको इतना बिजनेस दिलवा रहा हूं उससे मुझे इतना मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है व्यूवर्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं अभी कोलकाता में रह रहा हूं, मुझे अगर बेंगलोर या दिल्ली में अगर कोई बिजनेस देखना है, कहीं बाहर बिजनेस देखना है जहां पर मेरा परिचय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहां से एक बात बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि BNI के माध्यम से अगर यहां से रेफरेंस आपका BNI बेंगलोर के लोगों को जाता है, BNI दिल्ली के लोगों को जाता है, तो वो आपके लिए काम करते हैं कि आप वहां पर आ रहे हैं, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं सही बोल रहा हूँ जी? आप जब भी आप BNI के साथ जुड़ते हैं जी, आप ये जान लीजिए कि विश्व भर में 230,000 लोग हैं जो आपको आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। सो मैं जैसे उदाहरण देता हूँ कई बार कि मैं कलकत्ता से हूँ और अगर कल के दिन मुझे बैंगलोर में कुछ करना है या दिल्ली में कुछ करना है या हावड़ा में कुछ करना है, मुझे पता है वहां मेरे BNI सहमित्र होंगे जो मुझे निस्संदेह निस्संकोच मुझे सामने बढ़कर आएंगे और यही पूछेंगे कि विमल हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां व्यक्ति
दूसरों को काट करके, दूसरों को रौंद करके आगे बढ़ना चाह रहा है, वहां पर अगर ऐसा प्रेम, ऐसा सौहार्द और ऐसा कोऑपरेटिव नेचर आपको मिले, जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन एक सिंबल वो काफी होता है आपकी पहचान बनाने के लिए। अगर BNI के नाम से अगर आपका नाम वहां पे जाता है तो वो व्यक्ति, सामने वाला बिल्कुल ये महसूस करता है कि आप उसके अपने हो, आप उसके परिवार के हो, और तब उसके दोनों हाथ बढ़ते हैं आपकी तरफ, वो खुद आता है आपके पास, आपकी क्या आवश्यकता है वो पूर्ति करने के लिए। इसलिए ये बात कही जाती है कि सद्भाव के साथ अगर एक दूसरे के हित को देखते हुए अगर कोई भी काम किया जाए तो वहां पर प्रतिस्पर्धा तो होती ही नहीं, लेकिन उन्नति के रास्ते, प्रगति के रास्ते आपके साथ चारों दिशाओं में खुल जाते हैं। कोई खास बात जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर के अलावा भी दुनिया के लोग आपके इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आप कोई विशेष संदेश यहां पर छोड़ना चाहोगे जिससे लोगों के मन में एक भावना आए कि हाँ, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी समरसता के साथ, सद्भावना के साथ, एक दूसरे की उन्नति की भावनाओं को रखते हुए भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, मैंने पिछले 3.5 साल में, और मैं कई बार मेंबर से सुनता हूँ कि कैसे BNI ने उनके जीवन में बहुत गहरा बदलाव लाया है जी। बदलाव उन्नति, बिजनेस की उन्नति के तहत बोलिए, बदलाव एक लीडर की तरह बोलिए, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है जब BNI के साथ जुड़ते हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छा से बोल नहीं पाते हैं, ओके, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ समय बाद वो भी उतना ही अच्छा बोलता है जितना कि मैं और आप बोल पाते हैं। वो अपने बिजनेस को, जो बहुत हाउसवाइफ्स को मैंने देखा है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी बाहर निकल कर कुछ कर पाएंगे, उनको एक अच्छा परिवार मिलता है जो सब जुड़कर उनको मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। एक स्टार्टअप जो बिजनेस सेट करना चाहते हैं, नया मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, उनको, उनके पास में 50 ऐसे लोग मिलते हैं, 2 लाख ऐसे लोग मिलते हैं जो आगे बढ़कर आते हैं उनको, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप लोग, लोगों के साथ मिलते हैं सप्ताह में एक बार? सप्ताह में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। BNI में हमारा जो डिसिप्लिन है, जो हमारा जो फिलॉसफी है, जिसके कारण हम इतने सक्सेसफुल हैं, कि मेंबर्स को हर हफ्ता सेम समय और सेम डेट, सेम दिन उन्हें मिलना पड़ता है। बिकॉज हम ये मानते हैं कि अगर आप विजिबल नहीं हो तो आप कहाँ से किसको क्या दे पाओगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग अगर 2-4 हफ्ता नहीं आते हैं तो लोग भूल भी जाते हैं। हमारा तात्पर्य ये है कि आप हर मीटिंग में आइए, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, और शायद यही वजह है कि पिछले 35 सालों से हम सक्सेसफुल रहे हैं इस डिसिप्लिन के कारण। सो BNI में जो लोग कमिटेड हैं, जो डिसिप्लिन को मानते हैं, अनुशासन मानते हैं, वो लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, और जो लोग अनुशासन नहीं मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि ये कोई पार्टी क्लब है, कोई मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं बोलूंगा ये वो जगह नहीं है। अगर आप धंधा चाहते हैं अपना बढ़ाना तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। शायद यही वजह है कि हम हर हफ्ता जो है सुबह 7 बजे मिलते हैं, ना कि शाम 7 बजे। जी, सुबह 7 बजे मिलते हैं और चाय के साथ मिलते हैं, चाय पर वार्ता होती है और आपके विचार जाते हैं, लोगों के विचार आते हैं, एक दूसरे से एक जुड़ाव बनता है और वो जुड़ाव आपके बिजनेस को बिल्डअप करता है। उस वक्त जब आप विजिबल वहां नहीं होते लेकिन कोई आपके लिए बात कर रहा होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है आज के इस दौर में सफलता का मूल मंत्र यहीं से है। हम अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, और आप अकेले होकर के भी तब अकेले नहीं होते क्योंकि BNI का ग्रुप आपके साथ होता है जी। वो सारे लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, किसी न किसी रूप में आपके साथ जुड़ रहे होते हैं। तो व्यूवर्स, ये था आज का एक, मैं ये कह सकता हूँ गुरु मंत्र भी है, ये मनी मंत्र भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत साफ कहा है ये कोई पार्टी का क्लब नहीं है, ये धंधा कमाने का, धंधा बढ़ाने का, बिजनेस बढ़ाने का और मनी कमाने का। दुनिया में दौलत की आवश्यकता सबको है, और दौलत के साथ परिचय, जैसे जैसे आपका परिचय बढ़ता है वैसे वैसे दौलत के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाते हैं। और यही मंत्र, यही मंच और
BNI के माध्यम से आप तक जाता है। बहुत बहुत आभार बिमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूवर्स देखिएगा, समझिएगा, अगर आपको लगता है कि संजय सनम ने एक बहुत सही बात आप तक सही वक्त पर पहुंचाने की कोशिश की है तो लाइक करना भी आपका फर्ज बनता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूर तक लोगों तक जाना चाहिए तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, मिलते हैं।